गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी योजनाओं को अटकाने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ विधायक निरंजन राय ने एक्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तमाम कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चेता दिया गया है, यदि 15 दिनों के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं आता है, आम लोगों की कार्यों को यदि अधिकारी लटकाने में अपना विश्वास रखते हैं तो इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और आम लोगों के काम को अटकाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वे साथ कभी नहीं देंगे। उन्हें सचेत हो जाना चाहिए, पुराने सिस्टम को छोड़कर नए तरीके से जनहित के कामों को सुचारू रूप से चलाने में सभी को योगदान करना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। बंदरा प्रखंड मुख्यालय में जो शिकायत मिली है उसके आलोक में क्या क्या आदेश दिया गया? देखिए, हमने 18 दिसंबर को प्रखंड मुख्यालय पर बंदरा प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक हमने बुलाई, बैठक हुई। हमने जो हमारे पास क्षेत्र भ्रमण के दौरान लगातार मिल रही समस्याओं से हमने सभी लोगों को अवगत करा दिया और हमने समय दिया कि 10 जनवरी तक हमको इसमें सुधार मिल जाना चाहिए, ये शिकायतें दूर हो जानी चाहिए। बहुत सारा है, LPC, जाति आवासीय, मैंने समस्या का अंबार था, विभागवार हमने सब लोगों को बता दिया, सब लोगों को ये कह दिया कि निश्चित रूप से हमें जो परिवर्तन के लिए यहाँ के आम आवाम ने जिस स्नेह विश्वास के साथ परिवर्तन के लिए हमको वोट किया है वो हमें परिवर्तन दिखना चाहिए, और उस परिवर्तन के लिए जो वोट मिला तो हम अपनी जनता के कसौटी पर बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। हमने कहा कि जहाँ जहाँ से शिकायतें मिल रही है सभी शिकायत जो यहाँ से संभव है आपके यहाँ प्रखंड के स्तर पर है तो निश्चित रूप से 10 जनवरी तक के उसको समाप्त करिए, समस्या को दूर करिए, और नहीं तो उसके बाद फिर आगे इसके खिलाफ कार्रवाई करें। किस तरह की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं? जो अगर जिस विभाग में फिर गड़बड़ी पाई जाएगी उसमें कार्रवाई होगी, वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी के खिलाफ। जो पब्लिक फीडबैक है, जो प्रखंड और पंचायत दोनों स्तर पर जो है लापरवाही की बात हो रही है, वही अधिकारी भी लापरवाह, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से तो हम यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम मामला को उठाएंगे। बहुत सारी है, ये हमको पता है ना, मैं पद पे पहली बार आया हूँ लेकिन मैं पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच लगातार रहा हूँ और काम करते रहा हूँ। मुझे एक एक समस्या के बारे में पता है कि उसका समाधान भी कैसे होगा, अधिकारी भी कैसे काम करेंगे और कर्मचारी भी कैसे काम करेंगे, मुझे इसकी अच्छी तरह से जानकारी है। कुछ लोग तो बताते हैं कि इतना आसान नहीं है सिस्टम को ठीक करना। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, ये यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी चाहें तो समस्या एक दिन में समाप्त हो जाएगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा। यहाँ समस्या पाला हुआ है, समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। विधायक जी, आपके सरकार भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार आज सरकार की कमी की वजह से ही तो यहाँ के आम आवाम त्रस्त हैं। यहाँ की जनता, जो बिहार की जनता, बिल्कुल निराश और हताश है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट किया लेकिन जनादेश की चोरी हो गई, हमारे सरकार का अपहरण कर लिया गया, और आज जनता उसी की वजह से निराश है। लेकिन हम लोग जनता के साथ हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी जनता के साथ और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक के उनकी आवाज़ को उठाते रहे। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, भ्रष्टाचार के लिए मनरेगा योजना प्रसिद्ध है, इसको कैसे ठीक करें? इसमें हमारी DM साहब से भी मिलकर बात हुई है, हमने यहाँ की परिस्थिति को रखा है कि ऐसा कोई पंचायत नहीं, कोई गाँव नहीं जहाँ नल जल की स्थिति ठीक है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी पंचायत में जाँच करके हम संवेदक को और वहाँ के जो लोग हैं, जो इससे संबंधित नल जल से संबंधित लोग जो लोग हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं 15 से 20 दिन में समय देंगे कि इसको सुधार करके बिल्कुल ठीक करें, और अगर सुधार नहीं होता है तो वैसे सभी दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। बंदरा का जो मामला है, पदाधिकारी कामों को लटकाते हैं, क्या करेंगे, उनको कैसे ठीक होंगे? सभी की समीक्षा करके समय दिया है, हमने बोला सब लोगों ने विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से ये जो कहीं गति धीमी है या कहीं लापरवाही नहीं होगी, निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई। पब्लिक को असर कितना दिन में दिख जाएगा? थोड़ा समय तो दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। कितना वक्त जल्दी दिखने लगेगा, हमको लगता है कि नए साल में दिखने लगेगा, जनवरी फरवरी में।